हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इन फॉर्म ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका एक्सप्रेशन कैसा होता है और उसको हम डिराइव हम कैसे करेंगे इस लेक्चर में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इनिशियली इसमें कोई चार्ज नहीं है। अब इस डेरिवेशन को हम ऐसे करेंगे कि हम इसको चार्ज करेंगे, कैपेसिटर को कैसे चार्ज करेंगे। ये देखिए, दो प्लेट्स है कैपेसिटर की, ये मेटल की बनी है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयन्स होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को इस राइट वाले प्लेट से उठा के हम ले जा रहे हैं इस प्लेट पे यहाँ। तो जब इस पॉजिटिव चार्ज को एक पॉजिटिव चार्ज पे यहाँ लाएंगे तो यहाँ एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, फिर हम एक पॉजिटिव चार्ज लाएंगे इधर, इधर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर इधर से एक पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये प्रोसेस चलती रहेगी, कब तक चलेगी, जब तक ये फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता। जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना चार्ज स्टोर जब तक ये नहीं कर लेगा ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो अभी ये प्रोसेस चल ही रही है और इन बिटवीन उसके बीच में हम एक टाइम में इसको पॉज करते हैं और तब देखते हैं कि इसमें कितना चार्ज है। तो लेट से यहाँ पे अभी एक टाइम पे चार्ज है क्यू डैश, अभी और चार्ज आएगा इसमें, हम एक पोजीशन पे इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। एक टाइम में इसमें प्लस क्यू डैश चार्ज है, इसमें माइनस क्यू डैश चार्ज है और इसके बीच कुछ पोटेंशियल होगा लेट से बी डैश, ठीक। अब हम क्या करते हैं, कुछ और चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ, पॉजिटिव चार्ज, एंड दैट इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, उसको हम कहेंगे डी क्यू डैश। ये डी क्यू डैश क्या है, डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ चार्ज। ये डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ चार्ज को जब हम इस प्लेट से इस प्लेट में लाएंगे तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज ऑल्सो डिफरेंशियल वर्क, ठीक है। सो वर्क हुआ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डैश इंटू डी क्यू डैश। पोटेंशियल के डेफिनेशन से हमको ये फॉर्मूला पता है, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज होता है। तो ये है डिफरेंशियल वर्क डन फॉर मूविंग डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो टोटल वर्क डन फॉर मूविंग टोटल चार्ज वो निकलेगा इंटीग्रेशन से, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डैश डी क्यू डैश। अब यहाँ पर डिफरेंशियल एलिमेंट हमारा डी क्यू है, मतलब चार्ज है। इनिशियली दोनों प्लेट में कोई चार्ज नहीं था तो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट होगी जीरो, और फाइनली जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो कितना चार्ज होगा, हमने माना इसको Q, तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट सेट हो गई। अब इसकी इसको इंटीग्रेट करके हम वर्क निकाल लेंगे और जो वर्क हम करेंगे टोटल चार्ज को ट्रांसफ़र करने में, दैट वर्क विल बी इट्स एनर्जी, वर्क विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी ऑफ दिस कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, वर्क इज इक्वल टू ज़ीरो से क्यू वी, वी का फॉर्मूला होता है फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस क्यू अपॉन सी, सी इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, क्यू डैश उस टाइम पे इसके ऊपर चार्ज है जब पोटेंशियल वी डैश था, इनटू डी क्यू डैश, ठीक है। अब देखिए हमारा जो डिफरेंशियल एलिमेंट है क्यू है, चार्ज है, तो सी इस इंटीग्रेशन के लिए कॉन्स्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गया 1 बाय सी, बाहर हो गया इंटीग्रेशन के, 0 से q एंड q डैश डी क्यू। अब ये देखिए सिंपल इंटीग्रेशन है, वन वेरिएबल है दैट इज q, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा q डैश स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 से q। अब इसमें आप लिमिट रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क हो गया हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, लोअर लिमिट जीरो, उसको रखने की जरूरत नहीं, जीरो ही हो जाएगा, केवल अपर लिमिट से ही आंसर आ जाएगा। तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये हुआ वर्क, एंड दिस वर्क विल बिकम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कैपेसिटर, यानी हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस। हम इसको मॉडिफाई करके दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए हमको पता है
Q होता है C into V। अगर ये Q की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो U को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, तो एक C से एक C कट जाएगा तो U मिलेगा हाफ C V स्क्वायर। तो हम चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं और कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है और चार्ज और पोटेंशियल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला ये हुआ, एक ये हुआ। अब एक और मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं इस फार्मूले में, देखिए हाफ C की जगह हम क्या लिख सकते हैं इस फार्मूले से, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो यहाँ लिखो Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर, तो एक V से V कट गया तो U इज इक्वल टू हाफ क्यू वी। तो ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है और ये भी एनर्जी का फॉर्मूला, तो तीनों तरीके से हम लिख सकते हैं एनर्जी को। तो अभी हमने जो कैपेसिटर के एनर्जी का फॉर्मूला निकाला, दैट इज एनर्जी ऑफ वन कैपेसिटर। एक कैपेसिटर अगर है तो उसकी एनर्जी का एक्सप्रेशन इनमें से हो सकता है। अब हम क्या देखेंगे, अगर कॉम्बिनेशन कैपेसिटर है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, तब टोटल एनर्जी कितनी होती है। तो देखिए हम एक पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ये तीन कैपेसिटर है सीरीज में, इनका कैपेसिटेंस है सी वन सी टू सी थ्री और ये एक सोर्स से लगा हुआ है बैटरी सप्लाई जिसका पोटेंशियल वी है। तीनों में चार्ज सेम होगा तो इसको ले लेते हैं Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। ठीक है, तो अब हमें पता करना है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करें, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी बना लेते हैं। चलो इक्विवेलेंट सर्किट में एक ही कैपेसिटर होगा और ये बैटरी लगी हुई है, ये V और ये C इक्विवेलेंट, ये इनका इक्विवेलेंट है। इसमें चार्ज वही होगा प्लस Q माइनस Q। तो सीरीज की केस में हमें पता है वन अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन C वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। ठीक है, अब देखिए हम पहले इसका इंडिविजुअल एनर्जी पता करते हैं कितना है। सी वन में अगर मैं देखूं कैपेसिटर वन में कितना इसकी एनर्जी होगी, तो लेट से इट्स एनर्जी इज यू वन और इस फॉर्मूले से इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, वन बाई टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी वन। सी टू कैपेसिटर में एनर्जी होगी यू टू वन बाई टू Q स्क्वायर बाय C2 एंड थर्ड कैपेसिटर में जो एनर्जी होगी U3 हाफ Q स्क्वायर बाय C3। तो ये इंडिविजुअल इनकी एनर्जी है। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन दिस इक्विवेलेंट कैपेसिटर ये कितनी होगी, ये होगी U विच इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C इक्विवेलेंट। ठीक है, नाउ दिस इज वन अपॉन सी इक्विवेलेंट और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन टू और ये वन अपॉन सी इक्विवेलेंट की जगह लिख सकते हैं वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये क्यू स्क्वायर बाई टू किसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C1 प्लस हाफ Q स्क्वायर अपॉन C2 प्लस हाफ Q स्क्वायर अपॉन C3। और ये क्या है, यहाँ से देखिए दिस इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ सेकंड कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ थर्ड कैपेसिटर, यानी U1 U2 U3 है। तो हम मतलब क्या हुआ, टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द थ्री कैपेसिटर इज इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर, ये लिख सकते हैं हम इसके केस में। मतलब अगर कैपेसिटर सीरीज में
लगे हैं तो उनकी जो इंडिविजुअल एनर्जी होगी वो एड अप होकर टोटल एनर्जी उस सर्किट की या उस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बन जाएगी। अब यही चीज़ हम देखते हैं अगर कॉम्बिनेशन ऑफ जो कैपेसिटर वो पैरेलल है तो पैरेलल में टोटल एनर्जी कितनी होती है वो हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए C1, C2, C3 ये इनके कैपेसिटेंस है, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में चार्ज अलग अलग होगा सारे कैपेसिटर में अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस, इसमें Q1 है, इसमें Q2, इसमें Q3 है। अब देखिए हम अगर इसका एनर्जी का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो कैपेसिटर 1 में कितनी एनर्जी होगी इसको बोल देते हैं U1 एंड इट इज इक्वल टू सेकेंड फार्मूले से अगर हम निकालें हाफ CV स्क्वायर तो इससे क्या फार्मूला बनेगा हाफ C1 V स्क्वायर। V जो है टोटल पोटेंशियल है V बैटरी का और तीनों में पोटेंशियल सेम होगा और वो उतना ही होगा जितनी सप्लाई है दैट इज़ V स्क्वायर। सेकेंड कैपेसिटर की एनर्जी होगी U2 इस फार्मूले से हाफ C2 V स्क्वायर और थर्ड कैपेसिटर की एनर्जी हो जाएगी हाफ C3 V स्क्वायर। V कॉमन है सभी में, C अलग है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं जिसमें एक कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट और इसमें ये बैटरी है दैट इज़ V। तो इसका इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर का इसमें एनर्जी कितनी होगी इसमें होगी एनर्जी U दैट इज़ दी टोटल एनर्जी ऑफ 3 कैपेसिटर एंड इट इज़ हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर। नाउ ये जो C इक्विवेलेंट है ये पैरेलल के केस में और पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो V स्क्वायर को इसके अंदर तो क्या मिलेगा हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C3 V स्क्वायर। और ये क्या है यहाँ से देखिए दिस इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर एनर्जी ऑफ सेकंड कैपेसिटर एनर्जी ऑफ थर्ड कैपेसिटर। तो हम कह सकते हैं जो टोटल एनर्जी होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में इट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। तो ये फाइनल फॉर्मूला। तो कंक्लूजन ये है अगर कैपेसिटर चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल हो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर।